इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस मौके पर मैं एक वजाहती बयान आपके गोशे गुजार कर दूँ, आपके नज़रों के सामने लाऊँ। जिस दिन ये कौमी यकजहती के उनवान पर प्रोग्राम मुनाकिद हुआ था, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रोग्राम से पहले मुझे इस प्रोग्राम की नौईयत मालूम नहीं थी कि किस उनवान पर हो रहा है और इसके अंदर कौन कौन से निकात थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। क्या मुसलमानों का ईमान बचाना मुश्किल हो रहा है? मुसलमानों का ईमान ही इतना कमज़ोर हो गया कि इन्हें अब किसी भी बात का एहसास नहीं रहा। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, लिहाजा अब स्कूलों में पूजा पाठ, सूर्य नमस्कार या योगा को मुसलमानों के स्कूलों में देखने की नौबत आई। तमाम बातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है क्या अब मुसलमानों को खौफ खुदा ही नहीं रहा? ये भी बात उतनी ही सच है कि भारत के संविधान में हमें अपने मजहब पर चलने की आज़ादी दी हुई है, लेकिन फिरका परस्तों का डर कहिए या हुकूमतों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज करना अब नागवार नहीं लग रहा। और हकीकत यही है कि जिस कौम की शानदार तारीख रही, महज अल्लाह पर भरोसा रखकर जंगें जीती जाती थी, और जब कभी भी ईमान वालों ने तादाद और असबाब पर नजर डाली, जंग हार चुके हैं। लिहाजा पूरे मुल्क में मजहबी तशद्दुद का घिनौना खेल फिरका परस्तों की जानिब से और अपने आप को हिंदुत्ववादी और देशभक्त समझने वाली पार्टियों ने मुसलमानों के खिलाफ तहरीक छेड़ रखी हुई है। अब जो वीडियो आपने देखा, नांदेड़ महाराष्ट्र के स्कूल का नाम है सना स्कूल, जहां पर सकाफती प्रोग्राम के नाम पर आरती पूजा पाठ का सबक देने की इत्तला हासिल हुई है। खैर, इसके जिम्मेदार मुफ्ती आजम ने वजाहती बयान देकर लाइलमी का इजहार तो किया है, और जिस मराठी टीचर ने इस प्रोग्राम को अंजाम दिया था, उसने इस प्रोग्राम को लेकर किसी तरह की माफ़ी भी मांगने से इनकार कर दिया है। जहां देवी देवताओं की तस्वीरें लगाकर मुस्लिम इदारों में जब आरती और पूजा पाठ पढ़ाने लगे, तो आखिर इसे किस तरह माशरे का मुस्तकबिल कहा जा सकता है? सोचना ज़रूरी हो जाता है, और ऐसा कई जगहों पर होने की भी इत्तला मिल रही है। सूर्य नमस्कार भी कराए जाने की खबरें आए दिन सोशल मीडिया के जरिए सुनने में मिल रही है। खैर बताओ, एक मुसलमान हमें क्या सोचना चाहिए? आखिर इस तरह की तमाम चीज़ें करने पर क्या मजबूर कर दिया जा रहा है, या हिंदुत्ववादियों का डर हमें करने पर मजबूर कर रहा है? क्योंकि आजकल माशरे में सो कॉल्ड एजुकेशनिस्ट बहुत हैं, तालीम देने दिलाने पर जोर दिया जाता है, और यकीनन होना भी चाहिए, पर क्या तुम्हारे ईमान का सौदा करके इल्म हासिल करना किस माशरे की फला बहबूदी हो सकती है? अल्लामा इकबाल का वो शेर बार बार याद आता है कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, और यकीनन अल्लाह और उसके रसूल से दूर कर शिर्क की गिलाजत में मुलविस होने वाले इल्म का क्या फ़ायदा? और असल बात तो ये है कि ये तमाम चीज़ें संविधान के ही खिलाफ है। ताज्जुब तो उन मुसलमानों पर होता है, अभी हिंदू राष्ट्र हुआ भी नहीं, क्या हमने अपने जहन को पहले से ही बना लिया है, तैयार कर लिया? और अगर मुशरिक तुम्हारे कत्ले आम का ऐलान कर रहा है, तो फिर क्या इसके लिए भी हम मुस्तहक हो चुके हैं? आखिर हमने दुनिया की जिंदगी से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है? क्या हमने हजार साल जिंदा रहने की सोचकर सही गलत, हक और बातिल का फर्क करना छोड़ दिया है? उड़पी में लड़कियों के हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई। पिछले कई दिनों से लड़कियों को महज हिजाब की वजह से क्लासेस में बैठने नहीं दिया गया। इसी तरह भद्रावती में भी हिजाब पर सवाल उठाए जा रहे हैं, स्कूल में क्लासेस में अंदर दाखिला नहीं दिया जा रहा। क्या महज कुछ ही लड़कियाँ आवाज उठा रही हैं, और जो लड़कियां बिना हिजाब के स्कूल में दाखिल हो रही हैं, यकीनन इनकी तादाद काफ़ी है। तो इन तमाम मामलों को किस पस मंज़र में देखा जाए? याद रखो, मुसलमानों की जान माल ईमान खतरे में आ चुका है। भले ही अक्सर तबका ये समझे कि अगर ईमान का सौदा करके जिंदा भी रहा तो कैसे जिंदगी, जब संविधान हमें अपने मजहब पर चलने बोलने, यहाँ तक कि अपने मजहब की तबलीग की इजाज़त भी देता है, तो फिर किसके डर से अपने ईमान से फिरना कहाँ तक सही है? आपने सही सुना कि मुल्क हिंद में ऐसे कई लोग हैं जो फिरका परस्त के डर से मुर्तद होते जा रहे हैं। फिजूल की बयानबाजी छोड़े के मुसलमानों ने 313 के मुकाबले हथियारबंद मुशरिकीन मक्का का खात्मा किया था, या फिर करबला के 72 अफरादों का जिक्र करते हुए हम थकते नहीं हैं। लिहाजा इस गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि उनमें और हम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारा तसव्वुर भी वहाँ तक नहीं जा सकता। अपने आप को दीनदार समाज के ठेकेदार समझने वालों के सामने कोई भगवा गमछा पहनकर फिरका परसाता है तो इनकी हवा खारिज हो जाती है। लिहाजा ये वक्त बहुत नाजुक दौर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब फितने बारिश की बूंदों की तरह बरसेंगे। काफिर मुसलमानों को दस्तरखान से ऐसे खाएंगे जैसे भूखा दस्तरखान से खाना खा जाता है। सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। लिहाजा अपने ईमान को टटोलने की जरूरत है, कहीं दायरे ईमान से तो नहीं निकल जा रहे? क्योंकि हमारी जिंदगी, मौत, शिफा, बीमारी, इज्जत, जिल्लत का मालिक तो अल्लाह है।
और मौत तो मोमिन के लिए तोहफा है, और मुसलमान की जिंदगी शुरू होती है मौत के बाद। मोमिन के लिए तो दुनिया एक कैद खाना है। तो क्या ये तमाम बातें महज किताब में महफूज करने के लिए की गई थी? जब तुम अपने ईमान का सौदा कर लोगे तो वक्ती या कुछ देर या कुछ दिन महीने तुम्हें ऐसा लगेगा कि दुश्मनों से समझौता या दुश्मनों की जी हुजूरी करके अकलमंदी की है। फिर वैसे भी हमारे पास हिकमत सबर के मायनों के हम अपने हिसाब से कहीं पर भी फिट कर ही देते हैं। ऐसे मुनाफिकों और मुसलमानों के दरमियान बेगैरत लोगों को यह सोचने की जरूरत है कि जब तक अल्लाह नहीं चाहता दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मार नहीं सकती। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ईमान तो अंदर है, ऊपर से कुफ्र करने से क्या होता है? कहने वाले एक कथित तालीमदान खुद तो कुफ्र अख्तियार करते ही है और दूसरों को भी इसी रास्ते पर जाने पर मजबूर कर देता है। वैसे भी उम्मत में दीनी बेजारी इंतहा तक पाई जा रही है। हमने अपने बच्चों को बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलाकर अफसर साहब तो बना दिया पर मुसलमान बनाने से रह गए। लिहाजा जब किसी ओहदे पर फाइज भी हो जाता है तो कौम की मुखालिफत में ही काम करता है, और ऐसे करने वालों की फहरिस्त भी तवील हो जाती है, क्योंकि इसे डर है कि कहीं मेरे ऊपर जो अफसर बैठा है कहीं मुझ पर शक तो नहीं कर रहा। फिर आखिर में जब रिटायर्ड या वजीफे याफ्ता हो जाता है तो फिर उसे कौम याद आने लगती है, मुसलमानों पर हो रहे जुल्म ज्यादती याद आने लगती है, फिर वही बयानबाजी करके मस्जिद का जिम्मेदार भी बन जाता है, नसीहत करने लगता है। लिहाजा वक्त बहुत नाजुक है, मासूम बच्चों को कुफ्र के हवाले मत करो, इन्हें ऐसा मोमिन बनाओ जिस तरफ भी रुख करे ईमान की फिजाओं को आम करे, इस्लाम मुसलमानों का बोलबाला करे। किसी भी ओहदे पर फाइज हो अपनों का दर्द और खौफ खुदा इसके दिलो जहन में पैवस्त हो, क्योंकि हमारे मासूम बच्चे नौजवान नस्ल दीनी सियासी रहनुमा कहीं तो तरबियत से चूक गए हैं। ऐसा लगता है अपने ईमान की हिफाजत उम्मत के तहफ्फुज का मसला फिलहाल अहम है, और मुल्क का संविधान आईने हिंद भी इन्हीं की तरगीब देता है। संविधान को बदलने वालों की कोशिश है कि हिंदू राष्ट्र या मनुस्मृति को लागू कराने का उन्होंने ऐलान किया है, साथ में मुसलमानों की नस्ल कुशी का भी ऐलान किया है, लेकिन संविधान बदलने से पहले ही आप खुद डर के कुफ्र की राह पर चल पड़ो, ये कहाँ का इंसाफ है? सिर्फ उन्हें खुश कर दिया जाए फिर अल्लाह और उसका रसूल क्यों ना नाराज हो जाए? ये सही नहीं है। आज भी संविधान जिंदा है और इसी संविधान को जिंदा रखने की कोशिश हमें करने चाहिए, और यही आज का पैगाम है। वैसे भी आजकल भाजपा लीडरों की दादागिरी में बहुत इजाफा होता जा रहा है, इन्हें किसी कानून अदालत पुलिस इंतजामिया का डर खौफ नहीं रहता। लिहाजा एक बार फिर धारवाड़ के नजदीक तेगुर गांव में एग राइस की दुकान लगाने को हुए झगड़े के दरमियान सीधे रिवॉल्वर के जरिए धमकाने की वारदात पेश आई है। हासिल तला के मुताबिक मडिवाड़प्पा को भाजपा लीडर नागप्पा गनगेर ने पिस्तौल दिखाते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसकी फरियाद पुलिस में की गई है, कार्रवाई जारी होने की बात कही जा रही। जहां रायचूर सेशन जज मल्लिकार्जुन गौड़ा ने 26 जनवरी को बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर हटाने की जिद को लेकर रियासत में हंगामा बरपा कर दिया था, तो अब तमाम अदालतों में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को लगाने की मांग की गई। इत्तला के मुताबिक बेंगलोर हाईकोर्ट में जान कुमार और परमेश्वर ने पिटीशन दाखिल करते हुए तमाम अदालतों में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को लगाने की मांग की है। चित्रदुर्ग के करीब टोलनाका पर जबरदस्त कार हादसे में बेलगाम के 3 अफराधों की मौत हो गई है। इत्तला के मुताबिक टोल प्लाजा के करीब खड़ी टैंकर को पीछे से तेज रफ्तार कार ने ठोकर मारी, जिसमें कार के सामने का हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया। रमेश शानबाग, विश्वनाथ शानबाग, सीमा शानबाग, ऐसा तीनों मैयतों के नाम है। तीनों बेलगाम सुभाष नगर के बताए जा रहे। पिछले कुछ सालों से गोवा वेस्ट कॉरपोरेशन कॉम्प्लेक्स की इमारत कमजोर होने की बिना पर इसे 15 दिन में गिराने का फैसला कॉरपोरेशन की जानिब से लिए जाने की तलाश हासिल हुई है। यहाँ पर नया कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा, लिहाजा इसे जल्द खाली करने का हुक्म कॉरपोरेशन की जानिब से दिया गया। आज बेलगाम जिला में कोरोना का आंकड़ा 1000 के करीब जाने की इत्तला हासिल हुई है। पिछले 2 दिन से पॉजिटिव मरीज की तादाद 1000 से भी ज्यादा होती जा रही है। आज 1060 मरीजों को दर्ज किया गया, पर माशरे में कोरोना का डर अब खत्म हो चुका है, ये भी उतना ही सच है। आज खानापुर बीड़ी सड़क पर जलती हुई ट्रक का मंजर देखने को मिला। इत्तला के मुताबिक ट्रक का साइलेंसर टूट गया था, पर ड्राइवर ने इसे किसी तरह बीड़ी तक ट्रक को ले जाना चाहा, पर टूटे हुए साइलेंसर से आग निकलने लगी और ट्रक पूरी तरह से आग की जद में आ गया। बाद में फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाने की कोशिश की। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।